दोस्तों आईपीएल का सीजन खेला जा रहा है। रविवार 23 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को धो दिया। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स गजब खेल रही। अभी तक यह टीम 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 5 में इन्होंने जीत दर्ज की है और 2 में हार का सामना करना पड़ा। इस तरह आईपीएल 2023 के पॉइंट्स टेबल में धोनी की टीम टॉप पर पहुंच गई है। यही नहीं, पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों तक पहुंचने वाली यह पहली टीम बन गई है। ज्यादातर टीमों ने 7 मैच खेले हैं, लेकिन कोई भी टीम 10 अंकों तक नहीं पहुंच सकी है। सिर्फ चेन्नई ने यह कमाल किया है। आईपीएल के पिछले सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। यहाँ टीम 9वें नंबर पर थी, लेकिन इस बार की बात बिल्कुल अलग है और शायद इसीलिए सीएसके को कमबैक सुपर किंग्स नाम दिया गया है। धोनी की टीम सिर्फ अपने घर में ही नहीं, टीमों को उनके घर में जाकर हरा रही है। चेन्नई ने अब तक मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पर मात दी है, जबकि 4 में से 2 मैच चेन्नई ने अपने घर में जीते हैं। केकेआर के खिलाफ मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे के तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 235 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। नंबर 3 पर उतरे रहाणे ने मात्र 29 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए। इस धुआंधार पारी में रहाणे ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। वहीं युवा शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 50 रन बनाए। इस पारी में दुबे के बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के आए। सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने भी 56 रनों की पारी खेली, जबकि ऋतुराज गायकवाड 35 रन बनाकर आउट हुए। 235 रनों के जवाब में कोलकाता की टीम 8 विकेट खोकर 186 रन ही बना सकी। केकेआर की तरफ से जेसन रॉय ने सबसे अधिक 61 रन बनाए। रॉय ने ये रन सिर्फ 26 गेंदों में बनाए थे, जिसमें 5 चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे। वहीं रिंकू सिंह ने भी नाबाद 53 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। अजिंक्य रहाणे को उनकी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बन पाएगी या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के स्टोरीज, खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रहें हमारे साथ। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।